हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब लोग अच्छे हो। तो आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली आने वाला था सोमवार को, ठीक है, क्योंकि मैं बोल दिया था सोमवार से हम लोग लाइव करेंगे। बट प्रॉब्लम ये हो गया, आपको समझ में आ रहा है कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारा कुछ डिफ़िकल्टी रहता है, बहुत सारा कुछ जो भी सोचता हूँ कि हाँ हो गया है, पर उसके बाद देखता हूँ कि कुछ कुछ जगह पर प्रॉब्लम होता है। तो एनीवेज, तो वो जो सोमवार का जो अपडेट था वो आज हम लोग लेके आए हैं। उसके साथ आज से ही हम लोग लाइव जो गेम है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इसे आप लोग को समझने में थोड़ा सुविधा होगा। एज ए प्लेयर पर्सपेक्टिव्स आप लोग समझ पाओगे जी कैसे खेलना है। और ये जो इधर का जो एडमिन का जो पैनल रहेगा वो भी मैं साथ ही साथ दिखाता रहूँगा जी कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये वीडियो पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको अगर अच्छा लगे तो इसका जो पिछला जो दो और तीन वीडियो और भी है वो भी आप देख लेना, तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो बंदा ऑलरेडी मुझे पैसा दे के बैठे हो उसको भी मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे आप लोग बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हो। और जो लोग ऑलरेडी फ़ोन करके बोल रहे हो कि लोगे, वो आज रात से या कल से मुझे ऑलरेडी कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आप जब भी पे करोगे उसके मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स, ठीक है, उसके अंदर आपके हाथ में ये फैंटेसी ऐप आ जाएगा, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये, मैं पहले गेम चला लेता हूँ। चलो ये हो गया। तो इधर क्या करना है, आपको ये रजिस्टर करना है। रजिस्टर अगर हो गया है तो रजिस्टर अगर आपका अगर हो गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आपका जो आईडी है उससे लॉगिन करना है, ठीक है। मतलब आपका जो आईडी है वो एडमिन क्या बोलूँ मैं उसको, एडमिन मतलब एडमिन का जो परमिशन है वो होना चाहिए। वो जो आप जब लोगे तब मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपका एडमिन परमिशन होना चाहिए, या उसको मैं ऑन करके दे दूंगा, ठीक है। तो अभी चलो मैं क्या करता हूँ, एक पहले मैं एक गेम क्रिएट कर लेते हैं। अभी गेम कहाँ से मुझे मिलेगा, ये हमारा खुद का जो ग्राउंड है उसका भी मैच हो सकता है, या ऑनलाइन पे जो भी गेम चल रहा है उसका भी हो सकता है। तो मैं फिलहाल एक वेबसाइट खोल के रखा हूँ, ये क्रिक बस का एक वेबसाइट है फॉर रेफरेंस। तो आज क्या है, आज अभी 3 घंटा बाद, अभी मैं ये जब वीडियो कर रहा हूँ अभी बज रहा है 3:30 बज चुके हैं आप दोपहर को, ठीक है। तो अभी 3 घंटा बाद, इधर आप देख पा रहे हो, 3 घंटा बाद एक स्कॉटलैंड एंड जिम्बाब्वे का एक T20 मैच आने वाला है, ठीक है, लाइव चलेगा। तो वही मैच का मैं आज पूरा एकदम लाइव मतलब फैंटेसी का एक मैच बनाऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले एडमिन पैनल के अंदर मैं घुस जाता हूँ। तो देखो इधर एक मैच बना हुआ है, तो इसको मैं क्लिक करके पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलो डिलीट कर दिया, अभी मेरे पास अभी कोई मैच है नहीं। तो इधर मैं दो टीम का नाम दे देता हूँ, SCOTLAND स्कॉटलैंड हो गया और ZIMBABWE जिम्बाब्वे हो गया। और इसका मैं फ्री आज के लिए रखता हूँ 0, मतलब कोई भी अगर टीम बनाएगा, कोई भी अगर बनाएगा तो उसको कुछ भी मतलब वैल्यू नहीं लगेगा, 0 में ही वो बना पाएगा। इसका जो प्राइस रहेगा वो मैं कर देता हूँ 25 कॉइन, ठीक है। अभी 25 कॉइन आप जब चलाओगे आपके हिसाब से वो कॉइन रखोगे या आप पैसा लोगे वो आपके ऊपर है, वो हम लोग फ़ोन के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। पर इधर आप समझ लो कि इधर आप अगर एक टीम बनाओगे तो उसका कॉस्ट रहेगा 0, और उसका जो आप जो जीतोगे उसका वो आपको मिलेगा 25 कॉइन, ठीक है। तो अभी चलो हम लोग ये क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएट हो गया, स्कॉटलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे क्रिएट हो गया, फी है 0 और विन है 25। तो ये जो है ये मेरा फर्स्ट काम हो गया। अभी मुझे क्या काम करना है, अभी इसके अंदर मुझे एज ए एडमिन मुझे इसके अंदर अभी घुस जाना है। अभी इसके अंदर घुसने के बाद, अच्छा मैं एक चीज़ मैं रॉन्ग कर दिया, वो मैं फिर से ठीक करता हूँ एक बार।
ठीक है, इसका मैं फी रखता हूँ 0 और इसका प्राइस रख दिया मैं, चलो 30 कॉइन रख दिया। और अभी देखो इधर इसका कितना स्क्वाड है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इधर 16 है ठीक है, और इधर भी 17 है, तो मतलब 32-33 मेंबर है टोटल। तो इधर मैं काम करता हूँ, इधर 34 मेंबर मैं ले लेता हूँ और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ ठीक है। तो ये देखो विन 30 है, तो इसको हम लोग घुस के इसको पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं जो पहले वाला जो बनाया है ठीक है। तो एज ए एडमिन अभी हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर हमको घुसना है, और हम लोग कितने लिए थे, 34 प्लेयर का लिस्ट लिए थे, देखो 34 प्लेयर देखो दिख रहा है इधर ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आई होप ये आप देख पा रहे हो, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, हाँ आई होप आपको अभी ठीक ठाक से समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, ये जो प्लेयर है तो इसको मुझे क्या करना है, इधर से कॉपी करना है, या आप मोबाइल से भी करोगे तो भी होगा, मोबाइल को मिनिमाइज, ये जो मेरा ऐप है उसको मिनिमाइज करके इधर से आपको कॉपी करना है, और फिर आके क्या करना है, ये सी है मतलब कॉपी है इसे, ये इसको पेस्ट करना चाहिए था। एनीवेज ये जो बटन है आप क्या कर सकते हो, इधर जाके इसका जो पूरा नाम है जे जी ई ओ आर जी ई एम यू एन एस ई वाई एम यू एन एस ई वाई, ये ऐसे आप पूरा टाइप कर सकते हो, करके ऐसे अपडेट कर सकते हो ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये देखो अपडेट हो गया, जहाँ पे आप लोग आप अपडेट किया आप अपडेट हो गया, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, जिसको आपको चेंज करना है उसके ऊपर आप क्लिक करो, अगर आप इधर से अगर कॉपी कर रहे हो ये कॉपी, तो इसमें अगर क्लिक कर दो, देखो ये देखो पेस्ट हो रहा है ठीक है, इधर आके देखो पेस्ट हो रहा है। तो उधर जो मैसेज दिखा रहा है वो मैं हटाना भूल गया, तो वो मैसेज आपको नहीं आएगा, देखो इधर देखो आ गया, फिर आप अपडेट करो, देखो अपडेट हो गया। अभी मुझे प्लेयर टू को सिलेक्ट करना है, और इधर से प्लेयर टू को कॉपी करना है, इधर से कंट्रोल सी मार दिया मैं और इसमें क्लिक कर दिया ठीक है, ये देखो इधर आ गया, अभी अपडेट कर देना है, अपडेट हो गया। फिर इसको मुझे कॉपी करना है, दो का नाम डाल दिया मैं रॉन्गली, ठीक है अपडेट कर देता हूं, चलो अभी फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, चलो अभी ये रहेगा अपडेट कर दो, चलो मुझे इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कोई रुक गया अपडेट अपडेट हुआ, हां अभी इसको लेना है कंट्रोल सी, मैं जस्ट आर्टिफैक्ट आपको दे रहा हूं क्लिक बस से, मैं कर रहा हूं इसलिए, वैसे कोई बात नहीं कि मैं क्लिक बस कुछ इधर प्रमोशन कर रहा हूं ऐसा कोई बात नहीं ठीक है, चलो कंट्रोल सी इसको अपडेट करना है मुझे, हो गया ये अपडेट हो गया, 25 क्लियर, इसको क्लिक करो कंट्रोल सी, नाम आ गया पेस्ट ऑफ इसको कंट्रोल सी, हो गया कंट्रोल सी, ये सब हो गया कंट्रोल सी, हो गया और टाटा नाम बाकी और ज्यादा है नहीं, कंट्रोल सी, ये जो हेलो आ रहा है बार बार वो मैं हटा भूल गया प्रोग्राम से, तो कोई बात नहीं, आपको जो मिला वो ये नहीं रहा ठीक है, फिर इसको कॉपी करो कंट्रोल सी, और दो नाम है यार कंट्रोल सी, और ये लास्ट नाम बाकी है, ये कंप्लीट हो गया, करो कंप्लीट। तो आप देख पा रहे हो कि ये पूरा जो लिस्ट था, लिस्ट में मैं जितना भी नाम था मैं इधर डाल दिया ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट जो काम था, या मेरा जो अभी जो मैं गेम मतलब मैच चला रहा हूँ, ये जो मेरा जो फर्स्ट जो काम है ये देखो खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया ठीक है। अभी क्या करना है, मुझे सिर्फ बैक करना है, बैक करके ये जस्ट हो गया, मुझे बैक करके निकल जाना है, बस मेरा काम कंप्लीट, जैसे मैं निकल गया ठीक है। और इसको भी क्या करना है, इसको भी बंद कर दो, अभी इसका कोई ज़रूरत है नहीं ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना है ये जो गेम है, ये गेम मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर से आप डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद इधर जाके आप रजिस्टर करो, रजिस्टर करने के बाद आप इधर लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद अब इधर जो देखो आपका जो कॉइन है ना,
वो कॉइन क्या होगा, आपको जीरो दिखाएगा, कुछ भी कॉइन नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं एक प्लेयर जैसे लेता हूँ, PLAYER प्लेयर 50, ये आईडी है, पासवर्ड 123, पासवर्ड दिया फिर मैं 123, मोबाइल नंबर दिया जो भी दे दिया, ठीक है, ये सक्सेसफुल कंप्लीट। अभी इससे जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ, देखो मेरे पास जीरो कॉइन है, तो मैं देखो एडमिन में जाने का कोशिश कर रहा हूँ, देखो एडमिन में जा पाऊँगा, पर इधर देखो कुछ ये देखो एक्शन नहीं लेगा, मतलब एडमिन में जाके मैं सब कुछ देख पाऊँगा, ये सब देख पाऊँगा क्या है, पर इसको जाके इधर अगर जाके मैं कुछ अगर लिख के अगर अपडेट करूँ, देखो अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो एडमिन में घुस पाओगे आप, मतलब कोई भी अगर नॉर्मल प्लेयर है वो एडमिन में घुस पाएगा, कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। ये गया पहला अपडेट था, ये सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट था। अभी क्या है, शॉप में अगर आप जाओगे तो इधर क्या होगा, प्लीज कॉन्टेक्ट दिस नंबर फॉर कॉइन, मतलब अभी कोई पेमेंट गेटवे इसमें ऐड नहीं है, तो इसीलिए डायरेक्टली कोई किसी को अगर कॉइन खरीदना है, ठीक है, तो उधर क्या होगा, शॉप में कोई क्लिक करेगा उधर, मतलब दिख जाएगा कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो दिख जाएगा, उसमें वो डायरेक्टली व्हाट्सअप करता है कर सकता है या क्लिक कर सकता है। और ये देखो ये व्हाट्सअप का आपका लिंक रहेगा, जहाँ पे कोई अगर क्लिक करेगा डायरेक्टली, जितना बंदा खेलना चाह रहा है वो आपका जो व्हाट्सअप का ग्रुप होगा उसमें डायरेक्टली वो बंदा जाके ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो गियर बटन है ये कॉइन ट्रांसफर करने के लिए, पर इसको मतलब जो नॉर्मल बंदा है वो इसको एक्सेस नहीं कर पाया, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ पर कुछ एक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी खेलना है मुझे, मैं प्लेयर हूँ, मैं घुस गया, देखो इधर देखो क्या है, एक मैच दिखा रहा है इधर, ठीक है, मैं इसके अंदर देखो जा रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं घुस गया, देखो पूरा देखो लिस्ट मुझे दिख रहा है, ये कितना कितना प्लेयर है, क्या नाम है, सब कुछ देखो दिख रहा है मुझे, ठीक है। अभी नीचे वाला देखो पैनल, देखो नीचे वाला 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो इधर मैं क्या करता हूँ, मैं पहले प्लेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सपोज मैं कैप्टन कर दिया, और ये बंदे को मैं वाइस कैप्टन कर दिया, चलो इधर से मैं, मुझे पता नहीं कौन कैसे खेल रहा है, देखो इधर देखो कितना बंदा मैं सिलेक्ट किया वो देखो दिख रहा है, जिसको इसको मैं डिसलेक्ट करता हूँ तो देखो कम हो गया, ठीक है। तो ऐसा है, तो 11 से ज़्यादा आप क्लिक नहीं कर पाओगे, तो 11 बंदा आपका हो गया इधर, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये जो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, ये जो प्रोफाइल पिक्चर रहेगा इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है, जब एक बार क्लिक करोगे तो क्या दिखा रहा है, सॉरी यू हैव नॉट इनफ कॉइन, तो आपका बिकॉज ऑफ जीरो है इसीलिए दिखा रहा है, इसको थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ फिलहाल, नहीं तो काम करता हूँ, जीरो से नीचे रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, हाँ वो तो मुझे पता है, जीरो एक मैं काम करता हूँ, प्लेयर 50 वो क्या था, प्लेयर 50 PLAYER प्लेयर 50, इसको मैं एक कॉइन फिलहाल भेज देता हूँ, चला गया, तो प्लेयर 50 PLAYER 50 1 2 3, देखते क्या होता है, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, चलो मैं प्लेयर सिलेक्ट कर लिया, टोटल गया प्लेयर मैं सिलेक्ट कर लिया, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो सक्सेसफुली क्रिएटेड न्यू टीम दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि जीरो से नीचे अगर किसी का रहेगा तो वो टीम नहीं बना पाएगा, ऐसे मैं कर दिया था, पर लास्ट में वो भी मैं चेंज करना भूल गया, तो वो भी जब आपको मिलेगा लिंक तो आप जीरो ही रहेगा तो भी आप टीम बना पाओगे। अभी आप टीम कैसे देखोगे, जो आपका जो टीम बना है वो कैसे बनाए, इसमें अगर विनर पर अगर आप क्लिक करोगे तो देखोगे इधर देखो लिस्ट दिखा रहा है, ये लिस्ट का नाम है आपका प्लेयर 50, ठीक है, और ये एरो साइन देखे देखो टी जीरो दिखा रहा है, मतलब आप एक टीम बनाया है, टीम जीरो टीम है, मतलब नंबरिंग है, बेसिकली नंबरिंग है, आप टोटल 7 टीम, मतलब एक प्रोफाइल से आप मैक्सिमम 7 टीम बना सकते हो, जिसका 1 2 3 4 5 6 और जीरो, टोटल 7 टीम आप बना सकते हो। फिर मैं बैक कर रहा हूँ, फिर मैं क्या किया, इधर गया, इधर जाके मैं कैप्टन सिलेक्ट किया, इसको मैं वाइस कैप्टन कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं अगर इसमें अगर क्लिक करूंगा तो देखो सक्सेसफुली अपडेटेड टीम दिखा रहा है, अपडेट हो गया, मतलब जो
पहले जो टीम जीरो था वो देखो अपडेट हो गया, ठीक है, मतलब और आपका कुछ पैसा भी नहीं कटेगा, जब कोई कभी भी अपडेट होगा ना तब आपका पैसा नहीं कटेगा। तो इसको मैं कैप्टन कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या किया देखो, अभी देखो मेरा प्लेयर क्या है, टीम जीरो नंबर पे है, ठीक है। अभी मैं तीन नंबर पे चेंज करूंगा, इसको तीन नंबर पे चेंज करूंगा, तो क्या होगा, मैं और एक टीम बना रहा हूँ, मतलब थर्ड प्लेस में और एक मैं टीम बना रहा हूँ, सिंपल। अब ये सोच लो, अभी अगर मैं इसके अगर क्लिक करूंगा तो देखो क्या हुआ, ये देखो मैं देखो एक टीम ही देखो दिखा रहा है, क्योंकि मैं इसको अपडेट करना मैं भूल गया, तो इसको मैं फिलहाल कैप्टन कर देता हूँ। मैं बार बार रॉन्ग, मतलब जल्दी करने के वजह मैं थोड़ा रॉन्ग कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, हो गया। अभी मुझे चलो दो पे हम लोग क्लिक करते हैं, दो सेकेंड, तो अच्छा चलो पाँच पे चलो करते, पाँच नंबर जो घर है उसे हम लोग उसमें हम लोग जाके एक और एक टीम बनाते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग को क्लिक करना है। तो देखो सक्सेसफुली क्रिएट ए न्यू टीम हो गया, तो इसके अंदर अगर जाऊँगा तो देखो मेरा जो प्लेयर है, प्लेयर के देखो दो टीम बन चुका है, तो ये जो टीम है इसके अंदर ये सब प्लेयर है, और लास्ट का जो दो है वो कैप्टन वाइस कैप्टन है, ठीक है। और इसका भी देखो, इधर भी देखो, ये देखो टीम बन चुका है, और इसका भी देखो लास्ट देखो दो है टोटल के, पहले जो दो बंदा है वो है, पहले वाला है आपका ये वाला है आपका कैप्टन, और ये वाइस कैप्टन, क्लियर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं और एक प्रोफाइल से मैं अंदर आता हूँ और दो टीम बना दूंगा, ठीक है। प्लेयर इसके अंदर मैं घुस रहा हूँ, चलो ये मैं एक पे बनाऊंगा, एक वन पे मैं बनाऊंगा इसको, चलो कैप्टन करते हैं, और ये है इसको हम वाइस कैप्टन करते हैं, चलो वाइस कैप्टन का ये चलो चलाएगा, इसके अंदर चला वाइस कैप्टन चलाया, ठीक है, वाइस कैप्टन हो गया। चलो इसको हम लोग अपडेट करते हैं, क्या देता है, क्रिएट न्यू टीम देता है, देखो कुछ भी पैसा नहीं कट रहा है फिलहाल, ठीक है। तो और क्या करता हूँ मैं सिक्स में एक और एक करता हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको मैं वाइस कैप्टन करता हूँ, और इसको मैं कैप्टन करता हूँ, और नीचे से मैं इसको ले लेता हूँ, बस ख़त्म। चलो इसको भी मैं और एक टीम बना देता हूँ, क्रिएटेड न्यू टीम हो गया। अभी देखो चार टीम हो गया, पापा का दो टीम और प्लेयर 50 का दो टीम, ठीक है। अभी आप लोग जब देख रहे हो तब आप नीचे दिए गए लिंक में जाके आप ये गेम डाउनलोड करो, डाउनलोड करके आप खुद का जो टीम है वो बनाओ, ठीक है। आप टोटल एक आईडी से 7-7 टीम आप बना पाओगे मैक्स टू मैक्स, और आपका क्या होगा, मतलब कुछ भी कॉइन नहीं कटेगा अभी फिलहाल, क्योंकि मेरा जो ये जो है मतलब फी अभी मैं ज़ीरो रखा है आप लोग के लिए, कि आप टेस्टिंग करके देख पाओ ये कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये था अभी तक का जो वीडियो था, ये था। अभी मैं फिर मैच होने के पहले मैं क्या करूँगा, जस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि मैच कब स्टार्ट होगा आप एक बार देख लो, इधर मैच स्टार्ट होगा 2:37 में, ठीक है। मैच स्टार्ट होने से पहले मैं क्या करूँगा, देखो एक एडमिन के पर्सपेक्टिव से आप देख लो, मैं क्या करूँगा, मैं जाके ये जो एडमिन है, एडमिन में मैं घुसूंगा, इसके अंदर मैं जाऊंगा, जाके ये जो पार्ट है जीरो, इसको मैं वन कर दूंगा। अभी इसको वन करने से क्या होगा, इसका मतलब है ये जो गेम है ये स्टार्ट हो गया है। अभी कोई अगर नॉर्मल बंदा अगर इसके अंदर आएगा और प्ले करेगा, इसके अंदर जाएगा और कोई भी टीम सिलेक्ट करेगा, कुछ भी टीम सिलेक्ट करेगा, ठीक है, कर लिया। अभी सपोज 5 कर लिया, अभी इसको अगर आप क्लिक कर जाएगा, क्लिक करने जाएगा तो क्या बोलेगा, इधर मैच ऑलरेडी स्टार्ट सो यू कैन नॉट क्रिएट और अपडेट टीम, मतलब मैच जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तब आप क्या कर सकोगे, मतलब आप कुछ भी टीम को अपडेट नहीं कर पाओगे या नया टीम बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल मैं एडमिन में जाके उसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग टीम नहीं बना पाओगे, अभी मैं कर देता हूँ इसको। तो ये मैं जस्ट 2:30 के बाद जब हो जाएगा मैच, जब मतलब स्टार्ट हो जाएगा तब मैं ये कर दूंगा, ठीक है। और मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा जब ये मैच पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पूरा अपडेट करके मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप एक काम करो, ये जब अब मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आई होप आपके पास और भी, जब मैं आप मेरा वीडियो देखोगे
तो आपके पास एक डेढ़ घंटा तो रह ही जाएगा, क्योंकि अभी भी 2 घंटा बाकी है, ढाई घंटा बाकी है। तो इसको एडिट करके मुझे मैक्स टू मैक्स आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपके पास और भी 1.5 घंटा रह जाएगा, तो उस टाइम पे आप खुद से एक बना लो, मतलब क्या बोलो आपको, आप खुद से एक टीम फटाफट बना लो, तो आपको भी समझ में आ जाएगा ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलो अभी मैं इधर इसको ख़त्म करता हूँ, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो ये मैच ख़त्म होने के बाद आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर दिस टाइम।